सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही। अब तक का खेल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कंगारू खिलाड़ी एडिलेड टेस्ट की हार को भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं। सलामी बल्लेबाज एरोन फिंच और मार्कस हैरिस आत्मविश्वास से भरे नजर आए। पर्थ टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया तो दबाव एरोन फिंच पर था। पर्थ टेस्ट की पहली पारी में एरोन फिंच अर्धशतक जड़कर आउट हो गए। एरोन फिंच ने अपना दूसरा टेस्ट अर्धशतक पूरा किया लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उन्हें LBW आउट कर दिया। इस तरह से 112 रनों पर भारत को पहली सफलता मिली। एरोन फिंच 105 गेंदों पर 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके लगाए लेकिन इससे पहले मोहम्मद शमी की 2 लगातार गेंदों पर वो बहुत मुश्किल से बचे। मोहम्मद शमी की एक गेंद उनके घुटने के ऊपर लगी और दूसरी गेंद वो खेल नहीं पाए। शमी काफी एक्साइटेड लग रहे थे और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भी। कई खिलाड़ियों से सलाह मशवरा करने के बाद विराट ने डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि DRS लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी और फिंच बच गए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।